पैकिंग चल रही है अभी सामान की। तनिष्क जी लगाओ अपने कपड़े, यही पहन के डालना। चलो घर में दानी जी आपने भी यही पहने हैं, ठीक है जी। लड़की भी हमारे साथ जा रही है, तन्वी आएगी, आएगी कल आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना कुछ डाल दिया, सब्जी डाल दी है, कितना कुछ डाल दिया घर में जो जो भी था। सब कुछ डाल दिया, गाड़ी तैयार है, गोलू भी तैयार है। ये हमारा गोलू है जी, गोलू ये है हमारी नानी मम्मा। और ये है हमारा सीक्रेट रास्ता, इससे हम यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ जंप जाएंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखो पहुँच गए सीक्रेट रास्ते से आए आज हम। टाटा नानी घर, अभी एक महीने बाद ही आएंगे। ये देखो भीड़ इकट्ठी होगी यहाँ पे। चलो चले पापा अपने अपने घर में। बैठो बैठो, सवारी किराया दो। हम किराए दे देते। हाँ पर ऐसा क्यों? जाते जाते नानी घर घुमा देते हैं। फिर मैंने अभी ट्यूजडे जाना ना, मैंने वैक्सीनेशन करवाने, स्कूल वाले तभी बुला रहे। ये है हमारे सुनील मामू।
दिमाग में डालनी है, सोचा मैं बताता हूँ कौन बनाया। ये है अनीश, शक्ल दिखाओ। ये है, ये है हमारी तनवी, ये है हमारी मम्मा, और ये हमारे पापा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आगे हम के बिरला पार्क में बच्चों को घुमाने के लिए ले आए। ये देखिए, ये मेन गेट है के बिरला पार्क, कठुआ में है। ये बहुत ही अच्छा पार्क है जो कि CTM चिनाब टेक्सटाइल मिल वालों ने बनाया हुआ है, और के बिरला के नाम पे बना है ये पार्क। सो अंदर का दृश्य देखिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, सबसे पहले उनकी तस्वीर बनाई हुई है। चारों तरफ हरियाली है, बहुत बढ़िया पार्क है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ये देखिए ट्रैकिंग के लिए, हर एक चीज़ की व्यवस्था है फ्रेंड्स इस पार्क में। तो दिन को कभी आपको लेके आएंगे। अभी ये बच्चे रास्ते में, पार्क खुला था तो कोरोना की वजह से पार्क पहले बंद था, अभी खुला था तो बच्चे कह रहे थे कि पापा देखने जाना है, तो हम देखने आ गए। ये देखिए, नेचुरल पॉन्ड है यहाँ पे, और उसके बीच में फाउंटेन भी लगे हैं जिनमें अलग अलग कलर्स की लाइटें लगी हुई हैं। बहुत एक अच्छी अट्रैक्टिव लुक देती हैं ये लाइटें, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पार्क बनाया हुआ है। और जो पार्क की टेक्निकल जो पार्क जो बना है, ये फर्न की मेरे ख्याल में नकल की हुई है। बहुत ही बढ़िया पार्क है, तो हमने भी वहाँ पे एंजॉय किया बच्चों के साथ थोड़ी देर। बाकी खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं हर तरीके के, जो कि अभी अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे अच्छे से, लेकिन दिन को कभी पूरा इसका वीडियो बनाएंगे, पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे पार्क के ऊपर, पिकनिक के ऊपर, कि क्या क्या फैसिलिटी है इस पार्क में। ये देखिए फाउंटेन कितनी अच्छी तरह से चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव लुक देते हैं फाउंटेन। अलग अलग कलर्स की लाइटें लगी हुई हैं फाउंटेन में। काफी बड़े एरिया में बनाया हुआ है पार्क। कनक जनेऊ कंध पर काश, संतों की मैं मां कही न जाए, पीपा कूद परे। बहुत ही अलग अलग तरीके के, अलग अलग पेड़ लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं, चमेली के फूल, हर तरीके के फूल लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक पिकनिक के रूप में आप स्कूल को ला सकते हैं, जहाँ पे बच्चे लाइन में बैठ सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया पार्क है। गरीब ऐसा निर्मल नाम है। ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है बैठने के लिए लाइंस में। और ज्ञान मंडली है चकवे ज्ञान कबीर। तो देखिए हर तरफ हरियाली है, लाइट्स का भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है, वो पूरा दिखाया हुआ कि कौन से पेड़ हैं ये, कौन सी जो फ्लावर्स हैं ये, कौन से क्वालिटी के फ्लावर्स हैं। बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, सीट्स लगाई गई हैं,
सो फ्रेंड्स, कभी दिन को आपको एक अच्छा ब्लॉग बना के देंगे इस पार्क के ऊपर, बिरला पार्क जो है, केके बिरला पार्क। ये कालीवड़ी कठुआ में स्थित है पार्क। तो ये पार्क देख के हमें बच्चों बहुत खुश हुए, हमें भी बहुत खुशी हुई। सो उसके बाद फ्रेंड्स हमने मूव किया घर की ओर। तो आ पहुंचे हम घर में। ये एंट्री होगी हमारी घर के अंदर। हाँ जी भगत जी, सात साहेब। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो पूर्ण परमात्मा, कबीर साहेब जी की जय हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। फाइनली आप पहुंचे हैं अभी घर में। सो कल मंडे है, मंडे को देखते हैं। कल ड्यूटी पे भी जाना है अपनी, जो भी स्कूल की ड्यूटी है वहां पे भी जाना है। सो आज का सफर इतना ही था। सो आज के ब्लॉग में आपने जो भी देखा, हम हीरानगर से वापस आ चुके हैं, अभी अपने घर में आ चुके हैं। तो कल के ब्लॉग में क्या है वो तो कल ही पता चलेगा। बाकी मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। सो फ्रेंड्स बाय। भाई बहनों ने मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो वो नीचे जो रेड बटन है उसको बाइट कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका तो मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूं। और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय फ्रेंड्स।